हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे एनसीआरटी भाई सोमर वाल के चैनल पे। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 बताने जा रही हूँ क्लास 7 तक। तो इस वीडियो तो आप अंतर जरूर देते, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो और ये पार्ट 2 है। तलते वीडियो में मेरे आप तो डाइजेशन पढ़ाया था और ये पूरा पढ़ाया था, वैसे पढ़ा देती हूँ। ये हमारा माउथ है, यहाँ पर ये हमारा फूड पाइप होता है। अब यहाँ जैसे हम यहाँ पर एक बाजू में मुंह से सांस हम लेते हैं ना, ऐसे जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वो यहाँ होता है और ये बिल्कुल पांच चुपत्ता है यहाँ पर। अब आप सोच रहे हो ना, यहाँ था ना, यहाँ जाता है, यहाँ क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता, जब हम था ना आता है तब यहाँ पर ये थुला होता है, और जब जैसे ही ये अंदर आता है तभी लॉट सिस्टम इस पर लड़ा होता है। तो यहाँ से सांस मुंह से सांस लेते हैं, और अगर हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तब यहाँ पर जल्दी जल्दी फट जाता है, फिर हमें ऐसे होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, ये स्लाइवा होता है, और तन के बारे में वी टेन स्पी मिस स्लाइवा वेट फूड स्लाइवा मुंह के अंदर होता है पुश फूड इन फूड पाइप, और यहाँ ये तन पुश करती है ताकि वो फूड पाइप पे चले जाए थाना, और ये स्टोमच होती है जहाँ पर थाना चले जाता है, और इसे ये भी कहते हैं फूड पाइप। तो अब ये बोतल तैयारी पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो बताया ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये दोनों स्टिंग कलर वाले इंसीजर दांत हैं, आँख होते हैं, ये ऑरेंज कलर वाले टेनियस होते हैं, पिंक कलर वाले पर मोलर्स होते हैं, और ये मोलर्स होते हैं, ये टॉयल दांत होते हैं, और टोटल दांत हमारे 38 होते हैं, टोटल दोनों तो मिलाते हैं। और अब जैसे कि ये है 1 मिनट टूथ दिए थे, अब जैसे ये मेरे दांत बनाए तभी हमारा यहाँ पर हम जब खाना खाते हैं तब यहाँ पर फट जाता है, खाना फट जाता है ना, ये एक जब खाना फट जाता है तो स्लाइवा भी होता है, स्लाइवा हो रहा तो स्लाइवा सुधर मीन्स मीठा होता है, और जब ये हो जाता है थोड़े दिन बाद इसमें माइक्रोजोम्स आ जाते हैं मीन्स कीड़े, फिर वो है ना स्पिट एसिड सोचते हैं, फिर ये दांत हमारे पे दांत हो जाते हैं, इसे हम टू डिटाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जानते हैं, व्हेन वी ईट फूड स्मॉल पातिस्थल ऑफ फूड डिमाइन विद इन द टीथ ए फूड अ लॉन्ग टाइम देयर पासिबल एंड नॉट रिमूव then bacterias attack on them and release acid। यहाँ पर जब हम खाना खाते हैं तब स्मॉल पीसेस हमारे टीथ के अंदर रह जाते हैं, और वो फूड अलोन फिर वो जब लंबे टाइम तक रह जाते हैं तब छोटे छोटे पास पे रिमूव हो जाते हैं थोड़े, और फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसके बाद वो एसिड तो रिलीज करते हैं। दिस एसिड कैन बी वेरी डेंजरस, ये एसिड बहुत डेंजरस होता है, एंड आ है ना पर्सन कैन फेस दी इंजरी, जो फिर फेस जो इंसान होता है फिर वो ले नहीं पा, वो अपने दांतों तो दांत अच्छे नहीं होते, फिर दिस इज टॉल इसे हम टूथ टियर कहते हैं, और हेंस वी शुड क्लीन आवर टीथ डेली। अब हम टीथ के बारे में और भी जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको तो ये पढ़ा रही हूँ टीथ के बारे में, द फूड इज टेकन फ्रॉम द माउथ ऑन ब्रूटल कैविटी। अब जैसे मैंने ये बताया था माउथ जो है ये ब्रूटल कैविटी कहलाती है, ये जो माउथ है ब्रूटल कैविटी द प्रोसेस इन इंजेक्शन फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब ब्रूटल कैविटी द फूड इज फर्स्ट एंटरिंग into ब्रूटल कैविटी, दिस कॉन्टेस्ट ऑफ मेनली 3 पास। जो ब्रूटल कैविटी है वो फर्स्ट 3 भागों में बटी हुई है। पहला टीथ, देयर आर 4 टाइप्स। अब टीथ में 4 टाइप्स होते हैं, हमने बताया आप तो इंसीजर टेनियस प्रेमोलर्स मोलर्स, ऑल द टीथ हैव डिफरेंट फंक्शंस लाइक टेरिन तरस्टिन। तो दोस्तों मैं आपको तन के बारे में भी बताने जा रही हूँ, इस हेल्प इज मिसिंग सलाइवा विद फूड इस पल्स द फूड इन फूड पाइप्स, ये पुश करता है फूड पाइप, तो
इफ हैव टेस्ट बर्ड्स दैट मेक्स अस फील डिफरेंट टेस्ट वी कैन स्पीक विद द हेल्पफुल टंग। अब सलाइवर दिलन, दिस दिलन इज प्रेजेंट टू बोतल कैविटी। इट डिसीव सलाइवा, सलाइवा इज विद स्टार्च टू फ्रॉम सुगर। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज।